मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है संकरण के प्रकार को ज्ञात करने की विधियां। मतलब हम संकरण किस प्रकार का है परमाणु के अंदर, ये कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहां दो विधियां बताई गई हैं। एक है सिग्मा बंध संख्या विधि और दूसरा है हाइब्रिड ऑर्बिटल संख्या विधि। तो आज हम पहले आप लोगों को सिग्मा बंध संख्या विधि के बारे में बताएंगे। बच्चों, ये जरा इसको देखो, ये जो मैंने संरचना सूत्र बनाया है, इस संरचना सूत्र में ये एसिटिलीन का संरचना सूत्र है। इस कार्बन के यदि चारों ओर हम एक चक्कर लगाएं तो हमें दो सिग्मा बंध मिलेंगे, और इस कार्बन के चारों ओर एक चक्कर लगाएं तो यहां भी दो सिग्मा बंध मिलेंगे। तो चूंकि ये कार्बन दो सिग्मा बंध बना रहा है, इसलिए इस कार्बन में sp संकरण है। इसी प्रकार इस कार्बन में भी sp संकरण है। इसी प्रकार बच्चों, ये एथिलीन का हमने बनाया है संरचना सूत्र, इसमें भी इस कार्बन के चारों ओर देखेंगे तो 1, 2, 3 सिग्मा बंध, और इस कार्बन के चारों ओर भी 1, 2, 3 सिग्मा बंध। तो इस कार्बन में sp2 संकरण होगा और इस कार्बन में भी sp2 संकरण है। इसी प्रकार ये बच्चों तीसरा एग्जाम्पल है। ये पहला हमने एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये तीसरा एग्जाम्पल है। ये मेथेन का अणु है, इसमें इसका सूत्र CH4 है, ये संरचना सूत्र बनाया गया है। इसमें ये सिंगल बांड, चूंकि हमेशा सिग्मा बांड होता है, तो ये चार सिग्मा बांड है इसके चारों ओर, इसलिए इस कार्बन में sp3 संकरण है। तो बच्चों, सिग्मा बंधों की संख्या यदि मालूम रहे तो हम संकरण के प्रकार को ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे यदि सिग्मा बंधों की संख्या 2 है, देखिए जैसे ये 1, 1, 2, तो इस कार्बन में sp संकरण होगा। यदि सिग्मा बंधों की संख्या 3 है तो sp2 संकरण होगा, 4 है sp3 संकरण होगा, और 4 पर dsp2 संकरण भी हो सकता है। अब यहां पे क्या होगा, जिस परमाणु में d ऑर्बिटल होंगे उसमें ये वाला संकरण हो जाएगा, dsp2 वाला, और जब 5 होगा सिग्मा बंधों की संख्या तो संकरण का प्रकार होगा sp3d, और जब 6 होगा तो sp3d2, और जब 7 होगा तो sp3d3 संकरण होगा। तो ये था आज का जो टॉपिक था, सिग्मा बंध विधि हम द्वारा संकरण का प्रकार ज्ञात कैसे करते हैं, और उसके बारे में हमने बताया। धन्यवाद।